अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खुश होंगे और ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाल्लाह से। आज की जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ उसका नाम है रेड हॉट पास्ता। ये बहुत मज़े का बनने वाला है पास्ता, ये कॉन्टिनेंटल पास्ता है। इस रेसिपी को बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी किस तरह से लगी, कैसी लगी, आप उसे किस तरह से बनी। और ये जो मेरी रेसिपी लेकर आई हूँ, ये मेरी कोशिश होती है कि कम वक्त में और कम खर्च में ये रेसिपी आपको मिले। आज की जो रेसिपी है इसको बनाने के लिए, रेड हॉट पास्ता बनाने के लिए जो हमें अज़ा चाहिए होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें मेन अज़ा में चाहिए होगा वो हमें चाहिए होगा जी बॉयल्ड पास्ता। इसको आपने बॉयल कर लेना है, पहले पानी लेना है, पानी में साल्ट डालना है और उसमें थोड़ा सा घी या ऑयल ऐड करके इसको आपने बॉयल कर लेना है। नेक्स्ट जो पास्ता के लिए हमें चाहिए होंगी वेजिटेबल, शिमला मिर्च, गाजर, लहसुन फाइन चॉप कर लेना है आपने इसको। इसके बाद जो हमें अज़ा चाहिए होंगे वो जी हॉट सॉस, टमाटो केचप, सिरका, ऑयल, सोया सॉस। इसके बाद चाहिए होगा हमें स्पाइसेस, पेपरिका पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर। ये पास्ता के लिए ये मैंने मसाला बनाया है, इसकी रेसिपी मैं आपको दूंगी। इसके बाद हमें चाहिए होगा जी सॉल्ट, रेड क्रश चिली, चिकन पाउडर। जी जनाब, हमारे और इज़ा हो गए तैयार, हमारी प्रेप हो गई तैयार। इसके लिए अब हम जी अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप कुकिंग के लिए तैयारी। और आप इसको देखें और अब नोट करें अपनी डायरी में, ताकि जब आप ये पास्ता बनाने लगें अपनी डायरी खोलें और ये मज़े से पास्ता बनाएं, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को खिलाएं। जब भी आपके गेट टुगेदर हो या कोई पार्टी हो या बच्चों के लिए आपने बनाना हो पास्ता, तो आप ये डायरी से अपना देखें और मज़े से पास्ता बनाएं। जी अब देखें कि पास्ता हमने कुक करना है। सबसे पहले एक पैन लेंगे, फ्राई पैन लेकर उसमें हम डालेंगे जी ऑयल। ऑयल हमने इसमें एज रिक्वायर्ड डालना है और कम से कम ऑयल यूज़ करना है पास्ता में, हमेशा बहुत कम। उसके बाद हम ऐड करेंगे जी इसमें फाइन चॉप गार्लिक, इसको हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है, इसको लाइट सा गोल्डन बिल्कुल। इसके बाद जी हम इसको थोड़ा सा हल्का सा सौते करेंगे। इसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें कैरेट 4 टेबल स्पून, इसको हम लाइट लाइट सा सौते कर लेंगे। जैसे ही ये कैरेट सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, आप इसको देखते जाएं कि किस तरह से ये सॉफ्ट हो रही है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी शिमला मिर्च ऐड करने के बाद इसको लाइट सा हम सौते करेंगे। सोते करने के बाद हम इसमें जो ऐड करेंगे टेस्ट देने के लिए, वो थोड़ा सा हम लोग साल्ट ऐड करेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे जी पास्ता सॉस, उसके लिए हमें रिक्वायर होगा थोड़ा सा ऑयल। ऑयल जितना आप कम से कम डालेंगे पास्ता उतना ही मज़े का बनेगा। इसके बाद हम टेस्ट देने के लिए डालेंगे इसमें जी टमाटो केचप। टमाटो केचप के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी सोया सॉस, ये 3 टेबल स्पून के बराबर। ये स्पाइसी करने के लिए यूज़ होती है हॉट सॉस। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी सोया सॉस के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी वाइट विनीगर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें जो हमने पास्ता का जो मैंने स्पाइस बनाया हुआ था वो ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर डालेंगे इसमें हम तकरीबन 2 टीस्पून। ये आपने ख्याल रखना है कि ये सॉल्टिश होता है ऑलरेडी। इसमें हम ऐड करेंगे जी रेड चिली पाउडर, रेड क्रश चिली। रेड क्रश चिली डालने के बाद जो हम लोगों ने सोते की हुई थी वेजिटेबल्स वो इसमें ऐड करेंगे, ताकि इसमें टेस्ट आ जाए वेजिटेबल्स में। इसको फिर अच्छे से स्टिर करेंगे स्पून को, ताकि इसमें सॉस जो है
वो वेजिटेबल में ऐड हो जाए। इसके बाद जो हमारा बॉयल्ड पास्ता था वो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे, हल्का सा इसमें ऐड करते जाएंगे और स्पून को स्टिर करते जाएंगे। स्पून स्टिर करने के बाद देखें जी, बहुत कलरफुल और बहुत मज़े का पास्ता हो गया है रेडी जी। अब पास्ता हो गया है तैयार, इसको फाइनल लुक देते हैं जी। हमारा पास्ता हो गया है मज़े का तैयार, इसको अपने खानों में इंजॉय करें, अपने अफ्तार में बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये पास्ता कैसा लगा, कम खर्च में और कितना मज़े का ये पास्ता लग रहा है। इसको अपने अफ्तारी में इंजॉय कीजिएगा और मिलते हैं जी नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।